अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सब ठीक हैं? कैसे रहे जी आपके एग्जाम्स? आई होप आप सबके एग्जाम्स बड़े अच्छे रहे। जब बड़े इजी इजी एग्जाम्स थे, इजी इसलिए भी थे कि क्या जबरदस्त तरीका था है। आई होप आप सबने पढ़ेगा। एंड लेट अस नाउ रिज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। आप लोगों ने एग्जाम्स, आप लोगों के 2 वीक्स एग्जाम्स की वजह से ऑफ रहे और इस वीक एक क्लास नहीं हुई, लेकिन अब हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। एंड लेट मी शेयर। बल्कि इससे पहले मैं ये शेयर आपसे कर लूं जरा स्लाइड्स। चलेंगे, आपके सामने एक स्लाइड है जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है और लेकिन आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर, बल्कि इन्वेंटरी से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी आर स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मींस कॉस्टिंग। ठीक है, यानी द ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्टिंग। नाउ कॉस्ट कि क्या डेफिनेशन है, मतलब है, वो तो आप पिछले सेमेस्टर में देख चुके हैं सारा डिटेल्स में, वो तो हम नहीं जाएंगे। बट जहां बात करें इन्वेंटरी कॉस्टिंग की, तो हमारा मतलब है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, यानी हमारी इन्वेंटरी कितने की है, हमारी इन्वेंटरी एक्चुअली कितने की है। और हमें जब ये पता होगा कितने की है, तो हम तभी उसके ऊपर एक प्राइस रख सकेंगे कितने की बेचनी है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी इन्वेंटरी है कितने की, हाउ मच इज इट वैल्यूड फॉर। तो उसके लिए आपके सामने एक स्लाइड है IAS 2, उसके आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में, विच मींस दैट IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज द स्टैंडर्ड दैट इज दैट विल बी हेल्पिंग यू इन वैल्यूएटिंग इन्वेंटरी। और हमारा क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, तो IAS 2 तो नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टेक्निक्स हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन की न्यूमेरिकल्स उसके पढ़ेंगे। और वो टेक्निक्स क्या है आपके सामने, उनके नाम भी लिखे आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा रिकैप कर दूं इन्वेंटरी के बारे में। इन्वेंटरी क्या होती है, हमने बात की थी, इन्वेंटरी इज द एसेट या रिसोर्स जो आपने सेलिंग के लिए रखी हुई है, सेलिंग पर्पस के लिए, दैट इज इन्वेंट्री। जो आप बनाते हैं सेलिंग के लिए, दैट इज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री की टाइप्स में भी आपसे जिक्र हुआ था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स का। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ ना तो मुझे बता दीजिए, तो मैं अज्यूम करूँ कि हमने ये क्लास की थी काफी एग्जाम से पहले, मुझे याद है उसमें हमने ये पढ़ा था सारा। और रॉ मटेरियल वो खाम माल जो आप खरीदते हैं, उसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ। फिर वर्क इन प्रोसेस, उस पर थोड़ा सा काम हो गया, वो 50-50 होगी या 20-30 या जो भी उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, पूरी कंप्लीट नहीं है, यानी बेचने के काबिल नहीं है वो इन्वेंट्री, वो आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहलाती है। फिर फिनिश गुड्स, ये वो इन्वेंट्री है जो कि फाइनली रेडी है एंड इज रेडी टू बी सोल्ड। इसको अब आप बेच सकते हैं, बेचना है, बिकी नहीं है, लेकिन इट इज रेडी टू बी सोल्ड। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद ये थी हमारी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट में हमने बात की थी कि परचेज कॉस्ट होती है, इसके अलावा इसकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, और कोई अदर अगर कॉस्ट आएंगी जो कि मुश्किल है, इसके अलावा कोई कॉस्ट हो। परचेज कॉस्ट जो मटेरियल जिस जितने का आपको पड़ा, कन्वर्जन कॉस्ट हम कहते हैं कि उस मटेरियल को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो स्टेप्स आए, उन स्टेप्स पर डिफरेंट कॉस्ट लगती रही। फॉर एग्जाम्पल लेबर, लेबर इज अ कन्वर्जन कॉस्ट। और इसके अलावा FOH, ये FOH आप पढ़ चुके हैं ना कि FOH क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। FOH इज कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी कन्वर्जन कॉस्ट की एग्जांपल्स थी। और फिर इसके अलावा और कॉस्ट अगर देखें तो स्टोरेज, एडमिन, सेलिंग कॉस्ट, ये इनमें इंक्लूडेड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में नहीं है। ये बाद में हम इनको अलहदा से कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, स्टोरेज कॉस्ट को अलग से एक्सपेंस आउट करते हैं, आपने इनकम स्टेटमेंट में भी देखा होगा, तो इसको भी हमने अपनी कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, फिर एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है,
स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आप ये देख लें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ये तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि आप ये देख लें कि ये जो इन्वेंट्री है, ये आप उसको पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि इतने की होगी, यानी उसकी कॉस्ट को पहले से एज्यूम कर लेते हैं, बजटेड कर लेते हैं, यानी बजट कॉस्ट आप एक बना लेते हैं। और वो बजटेड किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये नॉर्मली कितने की बनती है, पिछले साल कितने की बनी थी, उसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड कर लें, या ये दूसरी कंपनी कितने की कॉस्ट ये बना रही है, कितने की ये आइटम बना रही है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बगैर किसी कैलकुलेशन के किसी इन्वेंट्री की कॉस्ट को वैल्यू कर सकते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं, जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट लगेगी तो जो डिफरेंस होगा उसको हम वेरिएंस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। वेरिएंस का चैप्टर अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने की, तो वो वेरिएंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के अंदर वो हम उसको बैलेंस आउट कर लेते हैं। चले वो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर जी एक है रिटेल मेथड। जी ठीक है जी, तो एक है जी रिटेल मेथड, और ये भी सिलेबस में नहीं है हमारे, तो इसको भी हमें आज तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो सिलेबस में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड्स, यानी आप हर इन्वेंटरी की कॉस्ट अलहदा से कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके पास जितनी भी इन्वेंटरी है स्पेसिफिकली उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं फाइफो, लाइफो एंड एफओ, ठीक है। ये तीन मेथड्स हैं। फाइफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, एफओ मीन्स एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो ये वो मेथड्स हैं जो हमने आज इनके न्यूमेरिकल पढ़ने भी हैं, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड है। और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट है एनआरवी का, जिसको हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू और आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। ये दो कॉन्सेप्ट हम ना इनके बाद पढ़ेंगे लाइफो फाइफो, क्योंकि ये थोड़े से IS2 की तरफ चला जाता है, तो हम आज पढ़ेंगे फाइफो लाइफो एफओ। इन समरी अभी तक जो हमने पढ़ा वो याद रखिएगा कि हम बेसिकली इन्वेंट्री को वैल्यू करने जा रहे हैं, यानी हमने जो इन्वेंट्री बनाई वो कितने की हमें पड़ी, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे थ्रू फाइफो लाइफो एंड एफओ, या हमारे पास जो इन्वेंट्री बची है, सॉरी बनाई तो वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, सॉरी जी ये करेक्शन कर लें, जो हमने बनाई है ना वो तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप बेच देते हैं तब आप कॉस्टिंग कर लेते हैं, या आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है CGS। लेकिन जो आपके पास रह गई है इन्वेंट्री, ठीक है, विच कुडंट बी सोल्ड, वो इन्वेंट्री भी खास तौर पे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी आपकी कितने की है, उसके लिए हम यूज करते हैं फाइफो लाइफो एंड एफओ मेथड। तो ये बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगी हम कॉस्ट को मैनेज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना एट एवरी मोमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये बार बार ये कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक जबरदस्त सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए निकाला गया है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आपको एग्जाम्पल बड़े आराम से समझा देगा कि फाइफो लाइफो आपको क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा चलें, ये मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप सुने जरा, सिनेरियो को समझे पहले। डेल्टा कंपनी यूजेस अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी एंड परचेजेस मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2016 आर गिवन बिलो। जुलाई का महीना है और जुलाई की कुछ ट्रांजेक्शंस कंपनी ने इन्वेंटरी के बारे में आपको बताई है। जुलाई 1 को ओपनिंग बैलेंस जो था इन्वेंटरी का वो 500 यूनिट था और एक यूनिट 20 रुपए का था। अच्छा 18 जुलाई को मजीद इन्वेंटरी परचेज की गई और 800 यूनिट्स परचेज किए गए एंड वन यूनिट वॉज $24 वॉज फॉर $24। इसी तरह 25 जुलाई को आपने एक और इन्वेंट्री परचेज की जो कि 700 यूनिट्स थी
और 26 डॉलर के पर यूनिट के हिसाब से वो इन्वेंट्री परचेज की, यानी इन्वेंट्री की ऑब्वियसली आपको भी पता है कि उतार चढ़ाव कीमत में आता रहता है। तो ये आपकी इन्वेंट्री की सूरत हाल थी जो आपके पास आई या आपके पास मौजूद थी, ठीक है। अब अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा कंपनी सोल्ड 1400 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ये पूरी इंफॉर्मेशन है, स्टार्ट 500 से किया, बीच में एक दफा 800 खरीदी, बीच में एक दफा 700 खरीदी, और पूरे मंथ में कंपनी ने 1400 यूनिट्स बेचे। अब सवाल है, कंप्यूट इन्वेंट्री ऑन जुलाई 31st 2016, यानी आपने कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई यूजिंग फॉलोइंग इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स, यानी कॉस्ट सीजीएस और क्लोजिंग दोनों आपने फाइंड करनी है। एक वो इन्वेंट्री जो बिक गई वो कितने की थी और जो रह गई वो कितने की है, ये दोनों इन्वेंट्रीज को आपने अलग-अलग से कैलकुलेट करना है यूजिंग द सेम मेथड्स। और मेथड्स कौन से यूज करने हैं, फाइफो, लाइफो एंड एफओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फाइफो। बिफोर यू मूव ऑन, फाइफो हो, लाइफो हो, एफओ हो, जो भी हो, आपने सबसे पहले एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, इनमें एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं। जो कि ये फॉर्मूला ना भी होता ना तो बड़ा इजी था, क्यों, कॉमन सेंस है, 500 से स्टार्ट किया, 800 मजीद खरीदे 1300 हो गए, 700 मजीद खरीदे 2000 हो गए, बेचे कितने 1400, यानी कॉमन सेंस है कि आपके पास 600 यूनिट्स बचे होंगे। तो इसी को हम जरा एक शशके से ना जरा एक फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस यूनिट सोल्ड, 500 प्लस 1500 यानी 800 और 700 माइनस 1400, तो 600 यूनिट्स आपके पास बच गए हैं। ये चीज आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली और अब आपके लिए बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये भी आसान ही थी, स्टार्टिंग विद फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। स्टार्टिंग अब देखें जी, मोस्ट रीसेंट कॉस्ट के हिसाब से कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st जुलाई, दैट इज एंडिंग इन्वेंट्री अंडर फाइफो। यानी अगर आप बात करें कि सबसे लेटेस्ट जो रेट था इन्वेंट्री का वो था 26, कैसे पता चला, जुलाई 25 को जो आपने इन्वेंट्री खरीदी वो 26 की खरीदी, उस हिसाब से आपकी 600 यूनिट्स जो बच गए उसकी मालियत होनी चाहिए 15,600 डॉलर होने चाहिए। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी आप ये ज़हन में रखें स्टैम्प वन क्या है, लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से उसकी प्राइसिंग करने। तो 15,600 के आपके यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट होनी चाहिए। अब आ जाए जी कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएस, इसी के अंदर हम ना 15,600 को भी अभी इंक्लूड करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने 15,600 भी, और फिलहाल आप ए पार्ट को छोड़ दें और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, दिस इज द होल कैलकुलेशन ऑफ दिस चैप्टर आप कह लें। ये फॉर्मेट बड़ा जरूरी है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो काउंटिंग होती है इनमें फॉर्मेट्स बड़े जरूरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखें कि आपके पास जो इन्वेंट्री सबसे पहली थी उसकी मालियत कितनी थी। 1st जुलाई को जो इन बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो 500 यूनिट्स आपके पास मौजूद थे और 20 देखें जी डॉलर का एक यूनिट था, इस हिसाब से आपके पास टोटल इन्वेंट्री हुई 10,000 रुपए की। फॉलोइंग साथ साथ रहे बेटा, ठीक है, अगर बीच में कहीं रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा अगर कोई चीज समझना लगे। ये एक दो टेक्निकलिटीज है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप आपने ओपनिंग इन्वेंट्री की मालियत कैलकुलेट करनी है, विच इज 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, गिवन होगी 10,000 रुपए की ओपनिंग इन्वेंट्री थी। अच्छा, फिर इसके अंदर 800 यूनिट्स आपने परचेज किए 24 के हिसाब से, जो बन गया 19,200,
और 700 यूनिट्स आपने परचेज किए 26 के हिसाब से, ये बन गया 18,200। यानी आपने ड्यूरिंग द मंथ टोटल 37,400 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, ठीक है, 37,400 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी आपने, क्लियर, विच मीन्स दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विच वॉज अवेलेबल ड्यूरिंग द होल मंथ वॉज 10,000 ओपनिंग प्लस 37,400 जो परचेज की गई, 47,400। यहां तक आप लोग अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, यहां तक बहुत इजी था, ठीक है बेटा। दोबारा बता रहा हूं, ओपनिंग की माली है 10,000, पता चल गया 500 × 20, फिर 800 × 24 और 700 × 26, ठीक है 19,200, 18,200, ये बन गया 37,400। टोटल आपके पास इस साल इस महीने में इन्वेंट्री थी 37,400 की। अब इसमें से आपने निकाल दी एंडिंग इन्वेंट्री, इसमें से आपने निकाल दी एंडिंग इन्वेंट्री जो पार्ट ए में कैलकुलेट की थी 15,600। अब ये सबसे जरूरी चीज है समझ, इसको जरा समझिएगा कि ये आपने 26 यूनिट 26 रुपए के हिसाब से ही क्यों 600 को कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जो मेथड है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखिएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके मुताबिक जो इन्वेंटरी आप सबसे पहले खरीदते हैं वो ही इन्वेंटरी सबसे पहले बिकती, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदी वो ही पहले बिकेगी। अमूमन क्या होता है, आप अगर दुकानदार हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आप माल खरीदते हैं, आप फिर मजीद माल, आप ये तो नहीं करते कि पहले माल खत्म हो जाए फिर हम अगले माल का ऑर्डर करें, ऐसे तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके पास हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में माल रहना चाहिए और पड़ा भी होता है। तो आप क्या करते हैं, आप वो सारा माल मिक्स कर देते हैं, पुराना भी और नया खरीदा हुआ भी। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो कॉमन सेंस भी हमारी फाइफो की तरफ ही जाती है कि जो आपने सबसे पहले खरीदा था, आप कहेंगे कि यार कहीं ये खराब ना हो जाए, पुराना ना हो जाए, तो मैं पहले वही बेचूं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो आप जो जैसे खरीदा वैसे उसको बेचें अगर, तो इस तरह आपके पास जो एंड पे इन्वेंट्री बच जाएगी वो वही होगी जो आपने लास्ट में खरीदी है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शुरू वाली इन्वेंट्रीज तो निकलती गई, शुरू वाली इन्वेंट्रीज निकलती गई, एंड पे वही बची जो आपने एंड पे खरीदी थी। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बात करूं, ये ऊपर आ जाएगी इस एग्जांपल में, 500 यूनिट्स खरीदे, 800 मजीद लिए, 700 मजीद लिए, अब टोटल 2000 यूनिट्स है मेरे पास बेचने के लिए, मैंने बेचे 1400। अब ये 1400 कैसे बिके होंगे, सबसे पहले जो यूनिट्स बिके वो 500 बिके ओपनिंग वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट यूनिट्स दैट वर सोल्ड वो थे 500 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री के, वो आपने इन्वेंट्री ली थी 20 पर यूनिट के हिसाब से, अब वो तो निकल गई, अगली इन्वेंट्री 800 भी, 1400 पूरा तो नहीं हुआ, अगली इन्वेंट्री जो आपने बेची वो बेची 800 यूनिट जो आपने 24 के हिसाब से लिए थे, ठीक है फॉलोइंग मी, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ही मतलब है जो पहले ली वही पहले बेची, तो अगली जो 1400 बिकी वो 800 यूनिट्स वो वाले बिके जो 24 के हिसाब से थे। ये कितना बन गया, 500 प्लस 800 1300, अभी भी 100 रह गया, वो 100 कौन सा बिका होगा आपका 26 पर यूनिट, वो कौन सा बिका होगा 26 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब अभी भी जो आपके पास 600 रह गया वो एक्चुअली उस 600 का था जो 26 के हिसाब से, उस 700 में से था जो आपने 26 के हिसाब से खरीदा। तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो 600 यूनिट्स हैं, कौन से वाले, 26 रुपए के हिसाब से। तो इसीलिए आपने यहां पे देखिए जी, ए पार्ट 600 एट द रेट ऑफ 26 पर यूनिट, समझ लग गई जी। तो ये तो थी आपकी इन्वेंटरी जो आपकी रह गई क्लोजिंग इन्वेंटरी,
इसी तरह आपने अभी कैलकुलेशन की, टोटल इन्वेंट्री जो आपके पास पूरे साल में थी वो थी 47,400 मालियत की, रह गई आपके पास 15,600 की, इसका मतलब आपने बेची कितने की, 47,400 माइनस 15,600 31,800, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन है, एक दफा दोबारा देख लें ये क्या हुआ है। सबसे पहले 600 यूनिट्स जो बच गए थे वो कितने के बच गए थे, जो आखिरी वाली इन्वेंट्री थी आपके पास 26 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल मालियत थी उनकी 15,600। फिर आप कैलकुलेट करना है CGS, तो उसके लिए पहले आप टोटल मालियत इन्वेंट्री की कैलकुलेट करना जो आपके पास मौजूद थी, जिसमें ओपनिंग थी 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए की, 24 के हिसाब से 19,200 की मजीद इन्वेंट्री ली, 26 के हिसाब से 700 रुपए की इन्वेंट्री, 700 यूनिट से इन्वेंट्री लिए, और टोटल आपके पास 47,400 अवेलेबल था, जिसमें से बच कितना गया ऊपर की कैलकुलेशन के हिसाब से 15,600, तो बिका कितना होगा बीच में से इनका डिफरेंस ले लें 31,800। क्लियर है जी ये? यार वो इस तरह का नहीं होगा, वो इस तरह का नहीं था CGS का क्वेश्चन, वो और था CGS का क्वेश्चन जो मुझे याद है, मतलब जो हमने मैंने कराया था, आप लोगों ने पता नहीं किस तरह कराया था। लाइफो फाइफो पढ़ा था? लाइफो फाइफो तो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने ना? हाँ, तो वो इस तरह का, ये लाइफो फाइफो वाला ही है, वो दूसरा CGS क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा यकीनन। ठीक है, और CGS और एक बड़ा सा मेथड था, वो एक स्टेटमेंट थी, वो ये स्टेटमेंट नहीं थी, वो और स्टेटमेंट थी, वो बड़ा लंबी स्टेटमेंट थी, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट सारा अलहदा अलहदा करके कैलकुलेट करते थे, दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, ये उससे इजी है कंपैरेटिवली। अच्छा एक मिनट, एक मिनट यार, वो स्क्रीन ना मैं दोबारा शेयर करता हूँ, क्रोम के साथ कोई एरर आ गया। चलो जी, अभी कोई क्वेश्चन है बेटा इनमें से तो ये बता दे काइंडली। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये ही आप कह लें कि दिस वॉज इट, ठीक है, प्रॉबेबली दिस वॉज इट, मतलब ये ही वो कॉन्सेप्ट था और ये बड़ा ईजी था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आगे हमने इसी को कंसोलिडेट करना है। ठीक है, यही हमने कंसोलिडेट करना है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर ये समझ लग गई तो यकीन माने पूरा चैप्टर ही समझ लग गया आपको, और अगर ये आज का नहीं समझ लगा तो फिर आगे भी आपको मसले मसाइल होंगे, ये जरा काइंडली अभी कंफर्म करना। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, 600 यूनिट्स वाला समझ नहीं आया वो कैसे निकाला। अच्छा ठीक, बता देता हूँ जी मैं, एक चलेंगे ये देखें। भाई आपके पास टोटल यूनिट्स थे कितने, ये देखो ना, ये सवाल पढ़ो जरा, 500 शुरू में, 800 फिर खरीदे 18 जुलाई को, और 700 फिर खरीदे 25 जुलाई को, टोटल कितने बने, 500 प्लस 800 प्लस 700 2000। अच्छा, बेचे कितने, ये लाइन पढ़े जरा निचली, द डेल्टा कंपनी सोल्ड 1400 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। कॉमन सेंस, ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला बेशक लगा लें, या कॉमन सेंस भी यही कहती है कि 2000 थे, 1400 बेच गए, तो बचे कितने 600। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन में देख लें पहला फॉर्मूला, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस मेड माइनस यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ, 600 यूनिट। ओके, अच्छा, ऑल्टरनेटिवली इसका एक दूसरा तरीका जो कि मैं कहता हूं इससे भी आसान है, CGS निकाल लेगा। ठीक है, ये देखें जी, बताया इसके कि आप टोटल करके उसमें से बचा हुआ माइनस कर दें, आप डायरेक्टली वही लें जो बिका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है, लेकिन हमने ना थोड़ा मुश्किल काम किया, लेकिन मुश्किल क्यों किया, हमारे पास ना बेसिकली इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा आ गई, और वो इंफॉर्मेशन किस तरह ज्यादा आ गई, हमें ये भी पता चल गया कितने के थे हमारे पास, और ये भी पता चल गया कितने के बिके। ओके, नाउ सी, अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं CGS, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई थी उसी के थ्रू। बिके कितने, 1400, ये तो पता चल गया,
सबसे पहले कौन से बिके, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था 500 यूनिट्स जो 20 के हिसाब से थे। फिर कौन से बिके, 800 यूनिट्स जो 24 के हिसाब से थे, ये 19,200 के बने। अच्छा अब कितने रह गए पीछे 800। चले जी हमने कहां पे छोड़ा था वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूं। एक मिनट यार ये कहां से हो जाता है, ये दूसरा मेथड आपको मैं बता रहा था और ये हम एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो कैसे, मैंने आपको समझा दिया था कि जो 1300 के बाद जो 100 यूनिट अगले बिके होंगे वो 26 पर यूनिट के हिसाब से बिके होंगे, तो 100 उसका ले लिया 26 के हिसाब से, टोटल 2600 बन गया। तो टोटल जो हमारे पास यूनिट्स बिके 520 वाले 10,000 के, 824 वाले 19,200 के और 126 वाले 2600 के, इन दोनों को अगर टोटल करें तो ये भी 31,800 ही आ जाता है। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है क्योंकि ये ज्यादा डिटेल्ड है। देखिए ना इसमें परचेज का भी पूरी इंफॉर्मेशन है, 47,400 के परचेजेस थे और इसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री की भी इंफॉर्मेशन है 15,600। तो ये जरा कॉम्प्रीहेंसिव मेथड है जो ऊपर वाला मेथड है, इसमें सब हमें पता चल जाता है एक ही फॉर्मेट के अंदर। पिछले वाले में सीजीएस पता चल जाता है लेकिन सिर्फ सीजीएस ही पता चलता है। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन द नेक्स्ट। ये देखें जी नेक्स्ट है हमारे पास लाइफो मेथड। बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको एक बात बता दूं दैट लाइफो मेथड practically is not applicable anymore and this is not used by the companies anymore. पहले एक जमाने में होता था तब भी कोई करता नहीं था ऐसा यूज, पता नहीं क्यों ये एक मेथड जो सही बात है बना, लेकिन हो सकता है कुछ बिजनेसेस में ये चीज एप्लीकेबल हो जहां पे बाद में आने वाली आइटम पहले बेची जाती है। शायद पेरिशेबल आइटम्स के बारे में आप कह सकते हैं कि जो एक्सपायर्ड हो गई हो या पेरिश हो गई हो, बट आई डोंट नो ये कहाँ पे यूज होता होगा एक जमाने में। अभी भी कंपनीज की मर्जी है जी, वो लास्ट आने वाली आइटम पहले बेच दें उनकी मर्जी है। उसमें होता है कि एंटीक चीजें जो हैं वो पहले बिकती हैं। जहाँ जिस तरह देखें जी एग्जाम्पल आ गई हमारे पास इसकी एंटीक चीजों की अगर बात करें तो कुछ जगहों पे एंटीक चीजें जो हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, तो जो पहले आने वाली चीजें हैं उनको संभाल के रखा जाता है कुछ चीजों को कि यार इनको पहले आने दो और अगर बाद में कोई ऑर्डर आ जाए तो उन जो बाद में आने वाली चीजें हैं उनको बेच दिया जाता है क्योंकि एंटीक की वैल्यू बन रही होती है। हो सकता है ऐसा कोई बिजनेस हो, बट जो भी है जी कुछ बिजनेसेस पहले करते थे अब ये नहीं करते। According to IS2, LIFO method is not used anymore. लेकिन अगर कोई करता है तो उसको करने दे, वो उसकी मर्जी है, वो कर सकता भी है, लेकिन फायदा नहीं है इसका क्योंकि अब सारी दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है, सीखना है कैलकुलेट करना, तो इसी को देखें जी आप उल्टा कर देंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और सबसे पहले आपने एंडिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करनी है। अगर तो अगेन सिचुएशन वही है, 2000 यूनिट्स है उसमें से 600 आपने आपके पास बच गए हैं, 1400 आपने बेच दिए, तो ये जो बच गए हैं अब ये कौन से बचे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले आपने 1400 पूरा करने के लिए कौन से बेचे, 700 जो 26 के हिसाब से, उसके बाद कौन से बेचे, ये 800 जो 24 के हिसाब से है। ये तो 1500 हो गया, तो हमने तो 1400 बेचा है, तो इसका मतलब है 700 आपने 26 वाले बेचे, 700 आपने 24 वाले बेचे, तो जो आपके पास बच के वो कौन से बच के, 100 24 वाले बच के और 520 वाले बच के, क्योंकि ये अभी नहीं बिके, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 700 सबसे पहले बिके, फिर ये ऊपर वाले 800 में से 700 बिके, तो बच कौन से गए, आपके पास बच कौन से गए 100 800 यूनिट्स में से और 500 का 500 ओपनिंग बैलेंस वाला बच गया, तो ये जो 600 बचा ये इस तरह से बचा। तो अगर एंडिंग इन्वेंटरी आप कैलकुलेट करें तो कौन सी बची, देखें जी ए पार्ट
520 के हिसाब से 10,000 रुपए के, 100-800 वाले जो थे जो 24 के हिसाब से हमें मिले थे 2400 के हिसाब से, और टोटल 600 जो बचे वो 10,000 प्लस 2,400 इज इक्वल टू 12,400 रुपए मालियत की एंडिंग इन्वेंट्री बची आपके पास। क्लियर, वेरी इजी, ठीक है, बस उसको उल्टा कर दिया, बाद वाले पहले बेच गए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगेन दो तरीके हैं, पहले की तरह सबसे पहले वही बात ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल लें, और उसके बाद वही सेम वही तरीका, पहला स्टेप तो वही है, 824 पे खरीदे, 726 पे खरीदे, टोटल 37,400 ऐड किया, तो टोटल अवेलेबल यूनिट्स 47,400 थे, जस्ट लाइक फाइफो। ये देखें पहला स्टेप तो सेम वही है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब एंडिंग इन्वेंट्री ऊपर भी आपने क्या किया, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी 15,600 की, इधर भी आपने एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी, लेकिन इस बार एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 12,400 जो आपने ऊपर कैलकुलेट की, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर दिस मेथड इज 35,000। अब दूसरा तरीका वो मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया, 700 यूनिट सबसे पहले कौन से बिके, 26 पर यूनिट के हिसाब से, जिनकी मालियत बनती है 18,200, फिर 700 यूनिट कौन से बिके, 24 यूनिट के हिसाब से, जिनकी मालियत बनती है 16,800, तो टोटल अगर आप इन दोनों को ऐड करें 18,200 प्लस 16,800, ये भी कितना बनता है 35,000। तो इस तरह से आपकी लाइफो मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है। ये एक दफा मैं बेटा स्लोली इसको दोबारा से स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये है, और से बड़े आराम से सुने दोबारा, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी था। सिचुएशन ये है कि आपके पास 1 जुलाई को 500 यूनिट थे जो आपने लिए थे 20 पर यूनिट के हिसाब से, 18 जुलाई को आपने 800 यूनिट्स खरीदे 24 के हिसाब से, 25 जुलाई को आपने 700 यूनिट्स खरीदे 26 के हिसाब से, टोटल आपने जो बेचे इस महीने में वो 1400 यूनिट थे। अब आपको कहा जा रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस एंड सीजीएस दोनों की वैल्यू बताएं इन मेथड्स के तहत, नंबर वन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इन तीनों के हिसाब से आपने बताना है। सबसे पहले जी आपने तो कैलकुलेट कर लेना आपके पास बचे कितने यूनिट, ये तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग प्लस परचेजेस आपने इतने की बेचे इतने, तो ये तो बड़ा सिंपल है जी, 600 यूनिट्स निकल आए, 500 प्लस 800 प्लस 700 माइनस 1400 इक्वल टू 600 यूनिट्स। अब कैलकुलेट करें फाइफो के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फाइफो के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे पहले पड़ा था वही सबसे पहले बिका, यानी सबसे पहले 1400 में से कौन से बिके, 520 वाले, फिर 824 वाले, और फिर 100-700 वाले, तो आपके पास बच कौन से गए, 700 वालों में से, यानी 26 पर यूनिट के हिसाब में से 600 बच गए, तो आपने 600 × 26 किया 15,600 मालियत की इन्वेंट्री बची हुई है। अब सीजीएस निकालना है, जैसे कि मैंने कहा दो तरीके हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग, उसके अंदर टोटल परचेजेस ऐड कर लें, 47,400 बन गया, माइनस आप जो एंडिंग है जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया वो माइनस कर लें, तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो वही होगा जो सीजीएस है। दूसरा तरीका वो इजी है टू अंडरस्टैंड भी और शायद कैलकुलेट भी, लेकिन प्रेफरेबल ऊपर वाला तरीका ये मैं फिर आपको बता दूं कि 500 जो बिके पहले 10,000 के बिके, अगले जो 800 बिके वो 19,200 मालियत के बिके, और फिर जो 100 बिका वो 2600 का बिका, तो ये भी टोटल कितना बनता है 31,800। अब लाइफो के बारे में अगर बात करें, ए पार्ट में आपने लाइफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड पे खरीदा वही सबसे पहले बिका, इस हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस जब कैलकुलेट करेंगे उसके लिए पहले देखें आपके पास बिके कौन से। सबसे पहले जी 700 बिका 25 जुलाई वाला, फिर 18 जुलाई में से 700 बिका, तो रह कितना गया, जो 18 जुलाई वाला था उसका 100
और जो ओपनिंग वाला था 500 उसका 100, उसका 500, इस तरह आपके पास 600 बच गया ना। सो ये देखें 10,000 ओपनिंग वाला बचा हुआ था, 10,000 मालियत का 500 यूनिट्स, और 100 यूनिट्स आपके पास 24 के हिसाब से 2400 का बचा हुआ था, तो टोटल आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 यूनिट्स की इस मेथड के तहत है, दैट इज 12,400। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक तो मेथड वही है, 47,400 तक सेम है और नीचे भी सेम है, बस फर्क क्या है कि इस बार आपका एंडिंग 12,400, रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास 35,000 बच गया। दूसरा मेथड, सबसे पहले आपने कौन सा बेचा, 700 यूनिट 26 वाला जिसकी मालियत बनती है 18,200, फिर 700 यूनिट बेचा 24 मालियत वाला जिसकी टोटल मालियत है 16,800, तो 18,200 प्लस 16,800 इज इक्वल टू 35,000। क्लियर जी, आज हम यही दो मेथड्स करेंगे जो बहुत है, वरना अगला भी अगर किया ना तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा सारा। तो ये आपने लेक्चर को दोबारा देख के अच्छी तरह लाइफ और फाइफो को डिफरेंशिएट कर लेना है, और ये डिफरेंस अगर होगा आपके जहन में तो मैं कहता हूँ जो भी सवाल आ जाए इस चैप्टर में से, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई तकरीबन 15-20 नंबर का ये सवाल है, याद रखिएगा, और इतना सिंपल है, इतना ही तकरीबन सिंपल है ये सवाल। और अच्छा, सो ये इसीलिए दोबारा ये वीडियो देखिएगा और इसको समझिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत इजी है। अभी कोई सवाल है तो आप पूछ लें, कोई सवाल है जी किसी का? एक ही मेथड करना है, ये ऑल्टरनेटिव मेथड चेकिंग के लिए है, एक ही करना है, इस चेकिंग के लिए भी है बिल्कुल, और समझाने के लिए भी था, और पेपर की अगर बात करें आप तो पेपर में से भी आप कोई भी कर सकते हैं चेक, ठीक है, पेपर में भी आपको ये खुली छूट है, कोई भी कर ले। वैसे इस मेथड का, ये जो पहला मेथड है, इसका ना थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा होगा, मतलब मैं अगर एज एन एग्जामिनर देखूँ ना, मैं कहूँगा यार अच्छा बच्चे ने डिटेल में लिखा तो इसको ही आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये मैं आपको अपनी एक पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ, वरना कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते, एक इम्पैक्ट की बात होती है, ठीक है, इम्पैक्ट इस तरह का पड़ जाता है। चले जी, एनी क्वेश्चंस? आई डोंट थिंक सो आपको क्वेश्चन है, वैसे इतने बनते भी नहीं क्योंकि बहुत ईजी था, एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, उसमें शायद कोई हो। अगेन फाइनली एग्जिट करने से पहले मैं बता दूं कि बेटा ये थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स, यानी जो हमारे पास इन्वेंट्री है दो किस्म की, एक वो जो बच गई और एक वो जो हमने बेच दी, ये दोनों इन्वेंट्रीज कितने की है, ठीक है, ये इसका हमने जायजा लेना है थ्रू दिस मेथड। चलें जी, अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी ये रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगता है इसको, जरा पेशेंस रखिएगा, इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगा, तो तब तक अपना ख्याल रखें आप इंशाल्लाह। अब हमारी जो क्लास है ना, असल में हमारा ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एंड दैट इज़ कि